स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए घंटी को दबाना ना भूलें। स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में और आज हम सीखेंगे कि बाजू को कैसे चढ़ा जाता है आर्म होल में। ये देखिए, हम बड़े आराम से सीखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, एक सूट हमारा पहले से बना हुआ है और एक बाजू भी बनी हुई है। इसकी आर्म होल की चौड़ाई हम रखेंगे 7.5 इंच, जो कि 15 इंच होती है। ये देखिए, और इस पे हम अटैच करने वाले हैं। चलिए पहले इसे सिल लेते हैं। इसकी चौड़ाई हम 36 इंच रखने वाले हैं, 38 इंच। ये 19 पे हम इसे मार्क करके दबा देंगे। ये चोली पहले से बनी हुई थी, सिर्फ आज हम आपको आर्म होल का किस तरीके से आसान तरीके से सेट किया जाता है वो हम बताएंगे। ये देखिए, हमने 19 इंच यानी कि 38 इंच चेस्ट का हमने ये सिलाई कर दिया। ये बाजू है, इसको हम 7.5 इंच रखने वाले हैं। ये देखिए, इसे हमने 4.5 यानी 10.5 पे रखा हुआ। ये 7.5 इंच हमने कर दिया। ये आगे के साइड हम 0.5 इंच इसे सेव कर लेंगे सबसे पहले, क्योंकि आगे की साइड थोड़ी सी गहराई रहती है। ये देखिए, इस तरीके सेव कर लेंगे, तभी जो है बाजू बहुत ही परफेक्ट बैठेगी 0.5 इंच। ये देखिए, अब हम इसे मिलाएंगे। अगर फिक्स कटिंग आपको नहीं आती तो ये फॉर्मूला काम आता है। ये देखिए, उससे आप 0.5 इंच छोटा काटें, वो जब काटेंगे आप तो बाद में वो मिल जाएगा। ये भी हम थोड़ा सा आगे की ओर सेव कर देंगे। ये देखिए, अब ये बराबर हो गई। ये देखिए, अब हम इसे इजी तरीके से इस तरीके से पकड़ेंगे और इसे इस तरीके से, और हम इसे उलट देंगे। चलिए अब इसे सिल देते हैं। ये तैयार होने जा रही है। ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको मिलती रहेंगी आइडियाज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें। ये देखिए, ये बहुत ही आसानी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये आर्म होल सेट हो गया। तो जाइए और सीखिए, और कुछ भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।